हेलो जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम दीबी है और मैं आज फिर से एक सच्ची और नई कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी है आदम और हवा की कहानी। कल की कहानी में आपने सुना कि छठवें दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम के लिए एक ऐसा सहायक जो आदम से मेल खाए। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकाल कर उस जगह मांस भर दिया और परमेश्वर ने उस पसली से एक स्त्री को बनाया और परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा ताकि वे उसकी रखवाली करें। और परमेश्वर ने उसी वाटिका के बीच एक भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया था और आदम और हवा को उस पेड़ का फल खाने के लिए सख्त मना किया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे उनमें से सांप बहुत दूर था। सांप ने हवा को कहा कि तुम उस वृक्ष का फल खा सकते हो और मरोगे भी नहीं, बल्कि तुम्हारी आँखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। हवा ने सांप के बहकावे में आकर उस फल को खाया और आदम को भी खिलाया। जैसे ही उन दोनों ने उस फल को खाया तो उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए और पहन लिए। परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था और आदम और हवा से मिलता था। परमेश्वर के आने का शब्द सुनते ही आदम और हवा छिप गए। जब परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, तब आदम कहता है कि मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। फिर परमेश्वर पूछता है कि किसने कहा कि तुम नंगे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फल मैंने तुम्हें ना खाने के लिए कहा था वो तुमने खाया है। फिर आदम हवा पे, हवा सांप पे बहकाने का दोष लगाते हैं। उसके बाद परमेश्वर उन तीनों को श्राप देते हैं। परमेश्वर आदम को ये कहकर श्राप देते हैं कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, इसलिए तू उसकी उपज जीवन भर खाया करेगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। तू मिट्टी है, अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। और हवा को ये कहकर श्राप देते हैं कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और परमेश्वर सांप को ये कहकर श्राप देते हैं कि तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसी प्रकार परमेश्वर आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाकर उस वाटिका से निकाल देते हैं। इसी प्रकार आज की कहानी यहीं तक खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक सच्ची और नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।